यहाँ के शेफ हैं, आपका नाम? जौहरी सर। जौहरी जी, जौहरी जी, आप कितनी तरह की चटनियाँ बना के? हम लोग सर 24 तरह की चटनी बनाते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से। अभी क्या मौसम थोड़ा गर्मी का आ गया, कुछ सामान अवेलेबल है कुछ है नहीं जी। तो अभी कितनी चटनियाँ आज बना? आज सर हम 16 चटनी दे रहे हैं आपको। 16 चटनियाँ आप बना सकते हैं जी। ये सामान जो है जी, ये सामान मार्केट में मिल जाता है सर? हाँ ये मार्केट में 24 आवर्स अवेलेबल रहता है सर, सब जगह मिल जाता जी है। हाँ, तो आप बताइए, आप पहली चटनी कौन सी हमें बना के दिखाएंगे? पहले हम आपको सर चटनी ये बना के देंगे, ये हमारे राजस्थान की फेवरेट चटनी है, काचरी की। काचरी जी, छोटे छोटे काचरे होते हैं जी, उसकी चटनी। ये क्या चीज़ है? ये काचरे है सर, जिनको सुखा के रखते हैं। हाँ, जिनको सुखा के रखते हैं, ये सुखाने के बाद पूरा ड्राई हो जाता है, उसके बाद इसको हल्का सा ग्राइंडर में घुमा के और इसकी हम लोग चटनी बनाते हैं। ठीक है साहब, आप बताइए। चलो ये सर मैंने फ्राई पैन स्टार्ट किया है और इसमें फ्रेश ऑयल डाला है। ये कौन सा तेल है? ये सर रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल है। ये लाल मिर्च को उबाल के पीसा? हाँ, लाल मिर्ची है, उबाल के पीसा हुआ है। और इसका हमने ये तड़का लगा दिया। ये पूरी बीज के साथ उबाली हुई है सर, और इसके जो पीछे वाले डंठल होते हैं वो निकाला हुआ। जब ये हमारा मिर्ची पक गया इसके अंदर हमने ये डाला काचरी। इसमें काचरी डाला जी सर। अब इसके अंदर ये पानी, काचरी जो है ये एक तरह से जंगली ककड़ी या खीरा की एक प्रकार है। खीरा प्रकार की है सर, सुखा लिया जाता। हाँ, सुखा लिया जाता। इसके अंदर हमने नमक डाला सर। नमक डाला जी सर जी। ये अपना सर एक चटनी तैयार हो गया काचरे का, और ये हमारी हांडियाँ हैं, हमने इसमें भर दी। ये बहुत ही साधारण सी चटनी, बिल्कुल साधारण सी है सर। गरम तेल किया, हाँ, उसके अंदर आपने उबाल के रखी हुई, इसके रखी हुई मिर्च, उसके अंदर आपने सूखी हुई काचरी, हाँ हाँ, पानी के साथ पका लिया।